स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं स्वाद राजस्थान का। ऊंचे पहाड़ों से घिरा करौली प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है, लेकिन शहर में जब आप पहुंचेंगे तो एक और भी वजह है जो आपको बार बार यहां आने को मजबूर करेगा, और वो है यहां का स्वाद मक्खन पड़े। इस स्वाद का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अगर चखा नहीं है तो बस तैयारी कीजिए करौली आने की। तो चलिए करते हैं स्वाद के सफर की शुरुआत और लिए चलते हैं आपको करौली। राजधानी जयपुर से 160 किलोमीटर दूर राजस्थान का ऐतिहासिक शहर करौली ऊंचे पहाड़ों से घिरा है। पूर्व में इस स्थान को कल्याणपुरी के नाम से भी जाना जाता था, जो यहाँ की एक स्थानीय देवी कल्याण जी के नाम के बाद रखा गया। करौली में 300 मंदिरों की उपस्थिति इसे राज्य के पवित्रतम स्थानों में से एक बनाती है। मध्ययुगीन काल में इस जगह पर लगातार हमलों का खतरा था, इस कारण पूरे जिले को एक किले की तरह बनाया गया था। उस वक्त इस जिले में एक दीवार बनाई गई, जो आज भी मौजूद है। लाल बलुआ पत्थरों की ये दीवार यहाँ की ऐतिहासिकता को बयां करती है। अब ये ऐतिहासिक किलों और मंदिरों के लिए मशहूर करौली एक दर्शनीय स्थल है। सिटी पैलेस, तिमांगर किला, काला देवी मंदिर, यहाँ का मदन मोहन मंदिर इस शहर को वास्तुकला और पर्यटन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। आज भी यहाँ स्थित सिटी पैलेस को क्षेत्र की समृद्ध विरासत का एक प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है इस राज्य का निर्माण 995 ईस्वी में भगवान कृष्ण के 88वें वंशज राजा बजाई पाल जादू ने किया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर करौली यदुवंशी राजपूत राजा अर्जुन पाल द्वारा 1348 ईस्वी में बनाया गया। अगर आपको करौली पहुंचना हो तो जयपुर में बने सांगानेर हवाई अड्डे और गंगापुर रेलवे स्टेशन से आसानी से आप करौली पहुंच सकते हैं। इन सब के अलावा सड़कों का एक अच्छा नेटवर्क होने की वजह से भी यहाँ सड़क मार्ग से भी पहुंचना बेहद आसान है। अगर आप करौली आना चाहते हैं, सबसे अच्छा वक्त सितंबर से मार्च के बीच का है। मौसम चाहे कोई भी हो, आप कभी भी यहाँ आए, यहाँ का स्वाद आपकी आवभगत जरूर करेगा और आपको इस स्वाद का सत्कार अच्छा भी लगेगा। आखिर मिठास किसे पसंद नहीं आती। हम बात कर रहे हैं करौली के मिठास मक्खन पड़े की। मक्खन पड़े, जी हाँ, वो स्वाद जो मुंह में मिठास खोल देगा, एकदम खस्ता और स्वादिष्ट। लेकिन यकीन मानिए, इसमें मावा नहीं होता। यूं तो करौली की खास मिठाइयों में उड़द की दाल से बनी इमरती के समेत कई और मिठाइयां खासी प्रसिद्ध हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में मक्खन बड़े ने जो प्रसिद्धि पाई है वो काबिलेकारी है। करौली रियासत टाइम से ही मिठाई के लिए शुरू से फेमस रही है। हमारे यहाँ मावे की कई प्रकार की मिठाइयाँ बनती है, लेकिन उनमें मक्खन बड़े का एक विशेष नाम रहता है। मक्खन बड़े की कई क्वालिटियाँ यहाँ बनाई जाती हैं। बाजार में कई प्रकार के मक्खन बड़े मिलते हैं, मदन मोहन जी में भी मक्खन बड़े बनते हैं प्रसादी के रूप में। लेकिन मक्खन बड़े की एक तो सबसे बड़ी खासियत ये होती है, करौली का जो मक्खन बड़ा होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और जो कि मक्खन बड़े आपने देखे होंगे वो इतने सॉफ्ट नहीं होते जो करौली का मक्खन बड़ा सॉफ्ट होता है। इसकी कैपेसिटी भी करीब 15-20 दिन आराम से ये रखा जा सकता है, ये खराब नहीं होता है। तो लोग को मक्खन बड़ा कई रूप में पसंद है। करौली में कई जगह मक्खन बड़े बनाए जाते हैं, यहाँ के मक्खन बड़े बाहर भी काफी भेजे जाते हैं, और शुरू से ही मक्खन बड़े का यहाँ चलन रहा है। शादी विवाह में भी और मिठाइयों के साथ में मक्खन बड़ा जरूर कंपलसरी रहता है हमारे यहाँ। करौली के मक्खन बड़े अपनी शुद्धता, मिठास और उसके भुरभुरेपन की वजह से मशहूर है। मुंह में रखते ही बस घुलने के इसकी विशेषता के कारण ये इस क्षेत्र में ही नहीं राजस्थान और देश विदेश में भी अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। मक्खन बड़े को आमतौर पर बालूशाही और डोटे के नाम से भी जाना जाता है। करौली में बनने वाले मक्खन बड़े छोटे बड़े और आमों खास की जरूरत कहे या पसंद कहे, दोनों ही है।
मक्खन बड़े जैसे कि सारी जगह बनते हैं, मगर इस दुकान के जो मक्खन बड़े हैं वो तो खस्ता और देसी इनके और शुद्ध मिलते हैं। अगर कोई मेहमान के लिए अगर हम इस मक्खन बड़े को खुलाया जाता है, ये जो मक्खन बड़े हमारे जो भाई दुकानदार जो बनाते हैं, बाकी कई जगह मक्खन बड़े तो बनते हैं पर इससे अच्छे और शुद्ध और खस्ता करौली में शायद ही कहीं मिलते हो। अगर किसी मेहमान को अगर ये खुला दिए जाते हैं तो वो गेस्ट आकर हमसे इसकी डिमांड करते हैं या मक्खन बड़े खुलाओ या फोन करके हमसे ये मक्खन बड़े मंगा लिए जाते हैं। यूं तो शहर में हर दुकान पर मक्खन बड़े बनते हैं, लेकिन इस शहर के गोविंद देव जी कटला में अशोक हलवाई बीकानेर मिष्ठान भंडार की बात ही अलग है। जब बात अच्छी और शुद्धता के साथ सर्वश्रेष्ठ की हो तो गोविंद देव जी के कटला से ही मक्खन बड़े लिए जाते हैं। मक्खन बड़े यहाँ के बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और यहाँ में हमारे गोविंद देव जी कटरा में जो और भी हलवाईगर है बल्कि और भी अच्छे देसी घी के बढ़िया बनते हैं। मक्खन बड़ों को जब भी सुबह भी नाश्ता एक टाइम देते हैं, कचौड़ी और मक्खन बड़े भी अच्छे बनते हैं और शाम को भी घर पर ले जाते हैं, बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। इनकी मांग हर छोटे बड़े त्योहार पर बढ़ जाती है तो आमतौर पर भी लोग इन्हें खाना पसंद करते हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि कैसे बनता है करौली का ये खास स्वाद मक्खन बड़ा। मक्खन बड़े बनाने के लिए आपको चाहिए मैदा, घी, बेकिंग सोडा, दही और चीनी। आज की प्रिपरेशन है, इसमें मैदा, सोडा और घी का मुख्य पार्ट है। जैसा कि आपने देखा है अभी, ये अपन ने मैदा ली, 1 किलो मैदा और उसमें 1 चम्मच सोडा, 400 ग्राम मोल लगाकर उसना जाता है। उसके बाद इसको अपनी शेप में बना के, मक्खन बड़े की जो शेप होती है उसको बना के बिल्कुल मंदी आंच पे गर्म घी में थोड़े में गुनगुने से में डाला जाता है। उसमें डालने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद फिर इसके टेम्परेचर घी का बढ़ाया जाता है, आँच ज़्यादा दी जाती है, तब तक जब तक ये थोड़े अपने आप में ब्राउनिश नहीं होने लगते हैं। उसके बाद वापस आँच कम करके इसको ब्राउन होने तक सेकते रहते हैं। उतारने के बाद ठंडा करके चाशनी एक तार की लेकर उसको पाग लेते हैं और सॉफ्टनेस की वजह से ये काफी अच्छे फेमस है। मक्खन बड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैदा निकाल लें। मैदे में बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, दही और घी डालकर मिला लें। अब गुनगुने पानी की सहायता से नरम नरम इस आटे को गूंथ लें। आटे को ज्यादा मत गूंथिए, बस आटे को इकट्ठा कीजिए और सेट होने के लिए 20 मिनट के लिए रख दीजिए। आटे को सेट होने के बाद इसे थोड़ा सा गूंथकर और अच्छे से मिला लीजिए। गूंथे हुए आटे से छोटे नींबू के साइज की लोइयां बनाएं। दोनों हाथों से एकदम गोल गोल बनाकर पेड़े की तरह दबा लें और दोनों ओर से अंगूठे से दबाकर एक गड्ढा बना दें। सारे आटे से इसी तरह सारे मक्खन बड़े तैयार कर लीजिए। अब बारी है इसे तलने की। तलने के लिए कढ़ाई में घी डालकर गरम कीजिए। जब घी गरम हो जाए तो तैयार मक्खन बड़े को गरम घी में डाल लीजिए। अब धीमी और मीडियम आग पर ही मक्खन बड़े को दोनों ओर से अच्छा तल लीजिए। अच्छा ब्राउन होने तक तलिए, लेकिन ध्यान रखिए कि तेज आग पर बालूशाही या मक्खन बड़ा अंदर से अच्छी तरह से सिकेगा नहीं, इसलिए आंच को धीमा रखें और इसे ब्राउन होने तक अच्छे से तलिए। सुनहरे तले होने पर इन मक्खन बड़ों या बालूशाही को कढ़ाई से निकालकर थाली या प्लेट में रख लीजिए।
आप कीजिए चाशनी की तैयारी। चाशनी बनाने के लिए अगर आप 600 ग्राम चीनी लेते हैं तो उसका बिल्कुल आधा यानी कि 300 ग्राम पानी मिलाएं और एक ताल की चाशनी बनाएं। गैस बंद करें और हल्की गर्म चाशनी में ही इस मक्खन बड़े को डाल दें। मक्खन बड़े को 4 से 5 मिनट तक डूबा रहने दें। उसके बाद इसे चिमटे की सहायता से एक एक कर थालिया किसी प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसे ठंडा कर लीजिए ताकि इस मक्खन बड़े पर चढ़ी हुई चाशनी सूख जाए। स्वादिष्ट मक्खन बड़े तैयार है। आप चाहें तो इसे गर्म भी खा सकते हैं और आप चाहें तो इसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं। करीब 20 दिनों तक भी जब आपका मन करे बस कंटेनर में पैक करके रखें, जब मन करे कंटेनर से निकालें और खा लें। तो स्वादिष्ट मक्खन बड़े बनकर तैयार है। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। शराब जो देकर जाती है दर्द, जहरीली शराब पीने से हुई मौतों ने कई परिवार तोड़ दिए। कितने ही बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, कितनी ही माओं की गोद उजड़ गई और कितने ही घरों से सहारे चले गए। आपका जीवन अमूल्य है, इसे सस्ते दामों की खातिर जोखिम में ना डालें। अवैध शराब का सेवन बेहद खतरनाक है, इससे मौत भी हो सकती है। याद रखिए, आपका जीवन आपसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अपने जीवन से लोगों को खुशियाँ दें, त्रासदी नहीं। अवैध शराब का सेवन न करें। अवैध शराब के उत्पादन और वितरण की जानकारी मिलने पर तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-180-6436 या फिर जिला आबकारी अधिकारी को इसकी जानकारी दें और अपने जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। नया निकोटेक्स सिगरेट छोड़ने में मदद करे और साथ में दे टीथ व्हाइटनिंग भी। मैं तो बहुत डर गया। कृष्णन बताओ ये क्या लिखा है? आई विल नॉट टॉक इन क्लास। कीप वॉच। अपने बच्चों की आंखों को इतना कमजोर ना होने दीजिए। शुरुआत अपना टीवी कनेक्शन बदलने से करिए। लगवाइए डिश HD प्लस जो देता है 5 गुना बेहतर पिक्चर क्लैरिटी। अगर है बच्चों की आंखों की फिक्र तो मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर। दो कितना चमक गया, क्या खाते हुए? यूवी पैक, शुभ रात में एक बार खाना नहीं चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमक दे रहा। यूवी पैक अब लड़कों की निकल पड़ी। कॉफी। Hey, nice sharing. कैसी है? अच्छी है। ठीक है। उसे छुआ भी नहीं। ओह तो बोनस मिला। उसे भी नहीं छुआ, अपनी सैलरी से खरीदी। डायमंड सैलरी। कल्याण एवरीडे डायमंड हो तो यस, डायमंड सैलरी में। हीरा फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। Small town, the kind of people I get, they are not supportive enough, they don't have the proper amount of information and knowledge. What will I do? आप ये मन में constraint मत रखिए कि आप छोटे शहर में हैं इसलिए आपकी कोई weakness है। छोटे कस्बों में हमारे पास talent होता है but हमारे पास platform नहीं होता है, तो हम कैसे अपने हुनर को बाहर लेके आ सकते हैं? आप अगर छोटा भी काम करते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो फिर उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा बड़ी जगह जाने में। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो
भी तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आप लोगों के मुंह से ही सुनिए कि कितना मशहूर है करौली का ये मक्खन बड़ा जो खुलता है हर किसी के मुंह में। मक्खन बड़े को बनाने वालों का कहना है कि ये मिठाई कई दिन तक खराब नहीं होती और कई दिन तक खाने योग्य भी रहती है। पहले इस मिठाई की डिमांड सीमित थी, लेकिन जहां जैसे जैसे पर्यटक बढ़ने लगे वैसे ही बदलते समय के साथ इस मिठाई की मांग और डिमांड भी बढ़ती गई और अब इतनी बड़ी मात्रा में बनाया जाता है, लेकिन इसका स्वाद ना बदले इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। अभी टाइम तक उसको रख सकते हैं और बाहर भी इनको भेजा जाता है, फिर या तो सीधा हमसे मंगवा लेते हैं उसको या फिर हम उनको लेके जाते हैं और बहुत पसंद किया जाता है काफी दिनों से, कुछ ही दुकानों पर ही मिलता है और ये खस्ता रहता है काफी दिनों तक तो सीलन इनका भी उनमें कोई असर नहीं पड़ता। करौली का जो मक्खन बड़ा है, एक तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बहुत मुलायम बिल्कुल सॉफ्ट, यानी मुंह में आप इसको रखो तो आपको दांत लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मुंह में गल जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट है, शुद्ध घी का यहाँ बनता है और ये काफी बालूशाही के नाम से भी, ये इसी चीज को बालूशाही कहते हैं और यहाँ इसको मक्खन बड़े के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध चीज है और बहुत स्वादिष्ट है, यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा इसका पसंद करते हैं। त्योहार और उसके अलावा जितने भी और जो प्रमुख फंक्शन होते हैं उन सब में मक्खन बड़े का बहुत बड़ा हमारे उसमें चलन है, यहाँ लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। करौली के मक्खन बड़े अपने आप में बहुत अच्छी क्वालिटी के बनते हैं और ये बहुत ही फेमस है। ये देसी घी के जो मक्खन बड़े जो बनते हैं करौली में, ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ आसपास के एरिया और करौली जिले से बाहर भी बहुत ज्यादा जाते हैं। ये हर त्योहार और सीजन पर करौली के मक्खन बड़ों की जो बिक्री होती है वो देखने के लायक होती है। पूरे करौली के आसपास के क्षेत्र और करौली वासियों को ये मक्खन बड़े बहुत ही ज्यादा पसंद है। यहाँ पर इस टाइम पे मक्खन, जैसे त्योहार जब आते हैं ना तो मक्खन बड़ों की बिक्री ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सबसे पहले तो मक्खन बड़े इतने स्वादिष्ट और गर्म होते हैं कि वो अपने होठों से ही फूट जाते हैं और जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और करीब दिवाली पे तो ये हालत है कि दो दिन तीन दिन पहले ही उसके मतलब 10-15 क्विंटल तो कम से कम निकल ही जाते हैं। उसकी बहुत प्रसिद्ध है ये मदन मोहन जी, ये यहाँ अग्रवाल मंदिर के पास उसकी दुकान है, बहुत प्रसिद्ध है मतलब करौली में तो, और मेरे ख्याल में ये यहाँ से कई जगह जाते हैं ये। कुछ लोग अपने मेहमानों को बड़े ही चाव से खिलाते हैं तो कुछ लोगों के रिश्तेदार इसकी स्पेशल डिमांड करते हैं, यहाँ तक कि विदेशी सैलानी भी इसे बेहद चाव से खाते हैं और फिर इसके दीवाने हो जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत इस मिठाई की ये है कि करीबन 20 दिन तक ये खराब नहीं होती। देश के कोने कोने में इस मिठाई को भेजा जाता है और लोग इसे उतने ही दिल से खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। एक बार अगर खा लिए तो दोबारा खाए बिना रह ही नहीं सकते, और जो भी रिश्तेदार मेहमान जो भी आती हैं उनको नाश्ता में अगर एक बार मक्खन बड़े खिला दिए तो दोबारा तो वे मांग करती हैं बाहर से, मगे यार के करौली से तुम जब भी आओ या मक्खन बड़े जरूर लेके आओ। बहुत अच्छे प्रसिद्ध करौली के पहचानी इस मक्खन बड़े से हो रही है। करौली के मक्खन बड़े हकीकत में बहुत प्रसिद्ध है यहाँ के, और करीब करीब यहाँ से बहुत दूर दूर तक जाते हैं, जयपुर आगरा वगैरह काफी लोग दूर दूर तक ले जाते हैं यहाँ के, और मैं भी काफी ले जाता हूँ यहाँ से और काफी सुबह शाम डेली करीब करीब ले दुकान से लाके हूँ, और बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के मक्खन वाले और लोग काफी प्रसिद्ध है यहाँ के। ये फेमस और स्वादिष्ट तो है ही है, लेकिन इसके बाद में जो भी कोई मेहमान आता है भारत के किसी भी कोने से आता है तो उसको हम मक्खन बड़ा खिलाते हैं, तो मक्खन बड़ा खा करके बड़ा प्रसन्न होता है और बहुत ही अच्छा इसका स्वाद है। इसके उपरांत जब भी वो जाता है, भारत के आदमी भारत के किसी भी कोने में रहते हैं वो मक्खन बड़े की बड़ी डिमांड करते हैं, मक्खन बड़ा बिल्कुल बड़ा प्रसन्न है और हम वहाँ पहुँचाते हैं। देश में ही नहीं विदेशों में भी करौली का जो मक्खन बड़ा है ये शुद्ध मैदा का और इसमें घी का मिक्सचर बन के और इसके बाद बनता है, जिसके बाद ये चाशनी में डालते हैं और शुद्ध चीज होने के कारण इसका कोई नुकसान नहीं है, पाचन क्रिया में भी अच्छा रहता है और सबसे अच्छा इसका स्वाद है, 8 दिन तक ये खराब नहीं होता है। करौली का मक्खन बड़े बहुत फेमस है। अगर आप भी करौली आएंगे तो मक्खन बड़ा जरूर चखिएगा कि ये यहाँ का खास स्वाद है। और ऐसा स्वाद है कि आपको यहाँ आने के लिए बार बार जरूर कहेगा।
मिठास, बनावट और अपनी सॉफ्टनेस की वजह से मशहूर मक्खन बड़ा आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये स्वाद आप भुलाएं नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि स्वाद है राजस्थान का।